एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, हमने उसको इन्जॉय भी किया और स्ट्रगल भी किया एक ढंग से, कि एक कैमरे के सामने आना, एक एक्टिंग करना, डांस का पोज देना, चेहरे का एक्सप्रेशन के बारे में रुपेश जी ने इसमें बहुत हेल्प किया। उनकी ही जो भी उन्होंने हमें सिखाया उसकी बदौलत ही हम इतना कर पाएँ जो आप लोगों को शायद पसंद आए। मंदाकिनी मैम, मैं अपना बहुत समय दिया, कितने आभारी हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ उनके, क्योंकि ये लोग भी फिल्म इंडस्ट्री के एक स्तंभ है और हमारे जैसे न्यू कमर्स के लिए वो आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मंदाकिनी मैम, आप क्या करना चाहेंगे म्यूजिक वीडियो के बारे में और सर के बारे में? इतने उम्र में इन्होंने कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश की जो आम लोग नहीं कर पाते हैं। अभी यंग है वो, नहीं यंग हो या यंग ना भी हो, एक्टिंग करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। क्या बात है, बहुत अच्छा। और जिसको जब जो चीज़ ठीक लगे उसे कर लेना चाहिए। और इन्होंने इतना अच्छा किया है तो उसके लिए तो इनकी बहुत तारीफ होनी चाहिए। जो लोगों ने कभी किया नहीं था जो चीज़, वो इन्होंने इस अभी आके किया, फर्स्ट टाइम किया और इतना अच्छे से किया, तो तारीफ के लायक है। ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में म्यूजिक वीडियो तो काफी बन रहे हैं, अच्छे ही बन रहे हैं जी। लेकिन जो आपका गाना था सुन आज भी दिल दिमाग में असर करता है। वो बताइए कि वो मतलब जो होता है रस, वो जो था उस जमाने के गाने के बारे में अगर कहा जाए, तो आज के दौर के गाने के बारे में आप क्या कहेंगे अगर कंपेयर करें तो? कंपेयर क्यों करेंगे, वो भी बहुत अच्छा था अपनी जगह, जो आज है ये भी बहुत अच्छे हैं अपनी जगह। हर चीज अपनी जगह बहुत अच्छी होती है, अपने जिस वक्त के हिसाब से जो चीज़ आती है वो अच्छी होती है। मेरी राय थोड़ी सी मंदाकिनी जी से अलग है, क्योंकि मुझे लगता है पुराने गानों में बहुत ही डेप्थ थी और आज भी वो गाने नए हैं। हम कितनी बार भी लता जी, मुकेश जी, किशोर कुमार, आशा भोसले कितनी बार भी सुन लें, वो गाने आज भी दिल को छूते हैं। और मेरे तो गाड़ी में मैं जब भी जाती हूँ शूटिंग करने या कुछ, तो वो ही गाने मैं पिछले गाने सुनती हूँ। उनकी पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक उसका मीनिंग था। पहली लाइन मतलब वो, अभी आपको कितने गाने हैं जिनकी फर्स्ट लाइन और अंदर की लाइंस, जो अंतरे की लाइंस हैं वो आपको याद है। स्थाई के बाद अंतरा पता ही नहीं होता है, फर्स्ट लाइन ही पता होती है और उसी से गाना हिट हो जाता है। बोलते हैं अरे ये गाना हिट है, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है कई गानों का। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हर एक गाना ऐसा है, कुछ एक गाने आज भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं, सिंगर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे गाने लिखे भी जाते हैं, लिरिसिस्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो पहले के गाने हैं और अब के गाने हैं, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरा ये बोलना है कि बहुत लकी हैं, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी वो बिल्कुल ठीक हैं आज, तो ही शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि इतना सब होने के बाद भी दे आर स्टिल टुगेदर एंड दे आर हैप्पी, तो ये तो खुशी की बात है बहुत। मैम ये भी कहना चाहूंगा, आपका भी म्यूजिक वीडियो आया था, मैम आपका म्यूजिक वीडियो आया था, आज के दौर में काम का तरीका कितना बदला है इंडस्ट्री में, कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी के हिसाब से या एक्टिंग के हिसाब से कितना आसान या मुश्किल चीजें हुई है आज के दौर में? जी ये तो बहुत ही लंबा आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि सब कुछ बदल गया है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जो भी बदला है अच्छे के लिए बदला है, इट्स वेरी गुड। रुको जी, के बारे में बताइए मैम, किस तरह गाना है जो आपका कमबैक आया काफी टाइम बाद, काफी सालों बाद आया जी आपका गाना है माय बेटी पुत्रा जी, किस तरह गाना है बताएंगे कुछ? अभी वो 10th को रिलीज होगा, मोस्ट प्रोबेबली 10th को करेंगे, तो जब आएगा आप देखिएगा। गाना बहुत प्यारा है, गाना बहुत अच्छा है। रुपेश जी, आपसे आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर, कितनी बड़ी याद है, कितनी बड़ी इसमें एक गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे, गाना के लिए? मैं बोलूँगा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि इसको स्टार्ट दम है, थोड़ा हमेशा से रहता है कि ये स्टार वो स्टार, बॉम्बे भी आती है तो हमेशा ये रहता है कि कोई मिल जाए, शायद कहीं मिल जाए, लगा होता है इसको। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ जब इतना है तो क्यों नहीं हम ही उसको पिक्चराइज करें और हम ही उसके तरफ खुद को ही एक स्टार बनाने की कोशिश करें। बुढ़िया जी आप क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? क्या बोलूँ, मैं तो अपने सरप्राइज हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा करके, मेरा भी पहला ही है। बहुत अच्छा जी, शॉर्ट फिल्म बनाया आपने और काफ़ी मतलब अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, कश्मीर पे भी जैसा कहा गया कि बनाने वाले, क्या विषय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है, वो जब एक सब्जेक्ट तैयार हो रहा होता है ना उसके बारे में ये ज़रूर होता है कि आदमी बताना चाहता है, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है उसको मैं थोड़ा अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता किसी रीज़न से। तो कश्मीर फाइल से तो नहीं, कश्मीर फाइल से उसका कोई वो नहीं है, हमारी एकदम अलग स्टोरी है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है मेरे से
उसका मैं घुमा के आंसर नहीं दूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा आपको कि मैं अभी उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा फिल्म के बारे में। सर इस सॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सॉन्ग बहुत अमेजिंग है और शूट भी आपने इतनी गर्मी में करा, तो कैसा एक्सपीरियंस? मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा सबसे पहला तो लगा शान जी की आवाज़ जिन्होंने इस पर आवाज़ दी, उसके बाद म्यूज़िक जो दिया सुजात भाई ने, और उसके बाद जो मेरे ये दोनों आर्टिस्ट हैं जिन्होंने परफॉर्म किया 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, खूब रिहर्सल्स किया, काफ़ी मेहनत किया और उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट आया। डायरेक्टर हमेशा कैमरे के पीछे अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता है कि हर शॉट उसका बेस्ट हो, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस सामने जो फ्रंट ऑफ द कैमरा होता है उसी को देनी पड़ती है। आप चाहे रिहर्सल्स कराएं सब कुछ कराएं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम तो वही देता है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने फाइनल एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और मंदाकिनी जी, उपासना जी सब लोग हैं यहाँ पे, तो उनकी ब्लेसिंग से मेरे ख्याल से ये और सॉन्ग अच्छा जाएगा। हाँ, हमने एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है कि लोग पहले लव करते हैं फिर मैरिज करते हैं, और या रियल लाइफ में अगर हम देखें तो कपल्स पहले यहाँ एक दो मूवी चार मूवी करते हैं, फिर उनके बीच अफेयर लव होता है और फिर वो कपल्स में बदल जाते हैं। हमने पहले शादी की है, एक अरेंज मैरिज है हमारा, और उसके बाद प्यार हुआ है, और फिर प्यार के बाद ये रियल लाइफ का प्यार हमने लाया है जो शायद एक ट्रेंड सेट कर दे बॉलीवुड के लिए। सुजात जी, कि एक आम आदमी भी चाहे तो एक अपना आम जीवन से उठ करके एक सॉन्ग शूट करा सकते। दुआ करते हैं फिल्म में भी आप दोनों साथ में नजर आएंगे। जरूर, क्या अच्छा हो, आपकी दुआ लगे, इन्होंने पक्का कर। सुजात जी, आपके बहुत सारे वीडियोस आए हैं, और इस वीडियो में क्या खास बात है कपल को देखते हुए? कपल बहुत अच्छे हैं और आपको देखने मिल जाएंगे, मगर मैं इस गाने में रुपेश भाई की तारीफ करूंगा कि उन्होंने मुझे चांस दिया और इतना अच्छा गाना बनवाया मेरे से। ये गाना गाया शान भाई ने, गाया गाना, और शान भाई आने वाले थे, शान भाई बाहर हैं, वरना वो भी आते थे, क्योंकि कल ही मुझे रुपेश भाई ने बोला कि भाई शान भाई को भी बुलाया जाए, तो बाहर हैं। मगर इसमें सबसे अहम भूमिका है हमारे रुपेश भाई की, उन्होंने ये गाना मेरे से निकलवाया। मैम, काफ़ी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता आपने, ये नया अनुभव था, कैसा अनुभव था रुपेश जी के बारे में बताइए, आपकी टीम के बारे में जो आप शूट कर रही थी? मैम थोड़ा आप सामने देख लीजिए ना, देखिए वो सामने आएगा देखिए क्या होता है ना, फैशन वर्ल्ड अलग है, क्योंकि जितना मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट किया है इतने पिछले 3 साल से कंटिन्यूशन में मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्क कर रही हूँ, बट वहाँ का वर्किंग स्टाइल और इंडस्ट्री में जो हम कैमरे के आगे आते हैं टोटली अपोजिट है। वहाँ रैंप पे चलना और सिर्फ कैमरे में देखना, और शूटिंग के दौरान पता चला कि कैमरे में देखना ही नहीं है आपको, मतलब एकदम अपोजिट है। और हम लोगों को हैबिट है जब हम शो करते हैं कि पर्टिकुलर हम पोज में खड़े होते हैं, यहाँ पोज तो चलता ही नहीं है, यहाँ एकदम फील अंदर से निकालना होता है आपको, आपका जो टैलेंट है वो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और रुपेश सर का तो सैल्यूट है, बिकॉज इतना सुंदर तरीके से इन्होंने जो पिक्चराइजेशन किया है, और ये हमारे जो कपल है इनका भी मैं थैंक्स कहूँगी कि इन्होंने इतने फास्ट तो मुझे नहीं लगता कि कोई शूटिंग में वन डे में आपके फटाफट आउटफिट चेंज करना और सेट पे आना इतनी गर्मी में सीन्स जैसे देना, मंदाकिनी जी ने बोला कि यार वहाँ पर भी, और मैम ने भी बोला कि इतने फटाफट एक्सप्रेशंस भी देना गर्मी में। मैं भी शूटिंग पे थी, लोकेशन पे थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट सीरियसली इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है एक बार सारी मीडिया ने, वैसे ज़्यादा तालियां तो आप लोगों ने बजाई नहीं है, पर एक बार बजनी चाहिए इन दोनों के लिए, सर के लिए। क्या आपको बहुत अच्छा लगा गाना? आपने बोला कि उठाएंगे आपको, नहीं नहीं गाना बहुत अच्छा है, शान साहब ने बहुत बहुत बढ़िया गाया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो गाना, मैं तो खुद फिल्में 2 प्रोड्यूस कर रही हूँ अभी, मतलब मैंने की हैं, तो उसमें तो बहुत से गाने होते हैं। तो हाँ, हाँ मेरा बेटा हीरो आ रहा है अभी, नानक। लोग बोलते हैं मेरे को, कई बार मैं एयरपोर्ट पे भी जाती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं अरे तो आपकी शादी हो गई, शायद लोगों को वही कपिल वाली बुआ ही याद आती। तो मैंने उनको बोला मेरी शादी काफ़ी टाइम पहले हो चुकी है, और मेरा 18 साल का बेटा है, और वो लव स्टोरीज़ में आ रहा है अभी, नानक उसका नाम है। तो उस, वो बहुत सारे गाने कर रहा है, बहुत अच्छा डांसर है। तो गानों से मेरी हमेशा से बहुत अटैचमेंट रही है, मुझे गाने सुनना और डांसेस देखना बहुत पसंद है। सो मैं तो गाने पिक्चराइज करवाती रहूँगी, और मैं बहुत इनको इन्होंने कमाल है कि जो जिस फील्ड में होता है, जैसे अभी ये मशरूम्स बेचते हैं, हमें कोई बोले हम एक आधा किलो बेच नहीं सकते लेकिन इन्होंने वो फील्ड में काम किया है कि जिस
फील्ड जो फील्ड ही नहीं है इनका, तो उसमें एक्सप्रेशन देना और अपने मार्क पे आना और इतनी गर्मी में काम करना, तो डिफ़िकल्ट काम था ये सब, तो उसके लिए तो भाई बहुत मैं उनको क्या कहूँ, उनकी तारीफ है उसमें। आप तो जो इन इनके पर जब गए थे जी, जो गाने के लिए जी, तो उनका जो कहानी बताइए ना। अच्छा, इनके बारे में, ओके फाइन। सबसे पहले तो जब जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बोला कि ये लव मैरिज तो नहीं, अरेंज मैरिज है, बट उस अरेंज में भी लव करना बहुत बड़ी बात होती है, जो इन्होंने यहाँ प्रूव करके दिखाया। और सिंघानिया जी ने जैसे मुझे बताया था कि वो अपनी वाइफ के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहते हैं, तो मतलब अब मैं इस फील्ड में थी तो मुझे लगा कि इससे बेटर, क्योंकि हर लेडीज़ की एक चॉइस होती है कि उसका हस्बैंड उसके लिए कुछ सरप्राइजेस प्लान करें, और बीवी नंबर वन तो हर लेडीज़ बनना चाहती है, तो वही बीवी नंबर वन कॉन्सेप्ट सोचकर हमने जब डिस्कस किया, उसके बाद रुपेश सर से जब हम मिले, और शान सर तो मेरे बहुत फेवरेट है, क्योंकि सिंगिंग तो मुझे लगता है उनकी आवाज़ और इनकी आवाज़ भी काफ़ी मैच हो रही थी। जब डिस्कस किया तो बस वो जो स्टोरी मैंने आपको बताई है एक्सीडेंट वाली, मुंबई के बिल्कुल एक बाजू में जगह है, उधर था। और जहाँ तक कॉस्ट्यूम की बात है, कॉस्ट्यूम में हमारी डिज़ाइनर ने, वेदिका ने बहुत मेहनत किया अलग अलग कॉस्ट्यूम्स के ऊपर, क्योंकि इनके ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हुए थे कॉस्ट्यूम्स के। मैं आपको बस सिंपल एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी बात करना ठीक नहीं रहेगा। अभी पुराने टाइम के अंदर जब सॉन्ग्स बनते थे, दो दो फूल टकराते थे और उसके बाद पता नहीं चलता था कि क्या हुआ। आज के टाइम में फूल टकराना बंद हो गया, सिर्फ ये फ़र्क है। लेकिन जो पुराने सॉन्ग्स के अंदर एक फील थी, एक सोल थी, वो आज के सॉन्ग्स में भी है, लेकिन उस लेवल के म्यूज़िक डायरेक्टर्स, उस लेवल के लिरिक्स राइटर जो आज भी मेहनत कर रहे हैं। मैं आज उपासना जी के साथ अभी बात कर रहा था, तो वो बता रही थी कि उन्होंने दो फिल्में अभी प्रोड्यूस की हैं और अपने सन को लॉन्च कर रही है, तो मुझे पता है कि ये पीछे बिहाइंड द कैमरा ये कितनी मेहनत कर रही होंगी। तो सेम चीज़ मैं इनके लिए बोलूँगा, सिंघानिया साहब के लिए, कि बिहाइंड द कैमरा जिन लोगों ने मेहनत की है और फ्रंट ऑफ द कैमरा जिसने मेहनत की है, उसी को पता है कि बेस्ट चीज़ क्या है, क्योंकि हर को अपनी चीज़ बेस्ट लगती है। जो भी आदमी है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे म्यूज़िक डायरेक्टर है, लिरिक्स राइटर है, बेस्ट जजमेंट ऑडियंस की है सर। थैंक यू। जी, आपसे जानना चाहेंगे आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, मतलब लोकेशन देख के और जब इस समय पिक्चराइज किया जा रहा था, तो एक आपके लिए अलग अनुभव रहा होगा इन सब चीज़ों का। हाँ, मेरे लिए बहुत नया था, मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा, मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। मैं आगे भी करना चाहूंगी, आप लोग साथ देंगे तो बिल्कुल करेंगे। अगली बार थोड़ा ज्यादा ट्रेंड हो गई है, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे क्या रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही? हाँ हाँ, रियल लाइफ भी ऐसे ही है, हम लोग रियल लाइफ भी ऐसे ही रहता है हमेशा। वसीम भाई, चलिए, थैंक यू।